जहां एक ओर पूरा देश मकर संक्रांति के अवसर पर जमकर पतंगबाजी करता है, जिसमें यदि राजस्थान के करौली की बात की जाए तो यहां इस दिन आसमान सूने पड़े रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां के लोग पतंगबाजी केवल रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दिन ही करते हैं। करौली के लोग मकर संक्रांति के त्यौहार की शुरुआत दान पुण्य के साथ करते हैं। आइए जानते हैं करौली वासी कैसे मनाते हैं इस त्यौहार को। जी तुलसीदास जी, बताइए, जो करौली में मकर संक्रांति के अवसर पर आसमान सूने रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत ही रोचक प्रश्न आपने किया है कि करौली में, चूँकि एक रियासत होने की वजह से, यहाँ पर भगवान श्री मदन मंजी का विग्रह होने की वजह से, राजाओं के ज़माने से ये परंपरा रही है कि पतंगबाजी को उन्होंने जन्माष्टमी पर और रक्षाबंधन पर शिफ्ट कर दिया था। और मकर संक्रांति चूँकि दान और पुण्य का त्यौहार है, इसलिए खास तौर पर हमारी करौली नगरी में मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का खास महत्व रहता है। आप देखोगे कि जगह जगह पर लोग स्टॉल लगाते हैं, उस पर मंगोड़े गुड़चंदिया वगैरह गरीबों को खिलाते हैं, कपड़े का दान करते हैं, और मदन मंजी के मंदिर के बाहर तो दुनिया भर के भिखारी आ बैठते हैं, उनके लिए दान करते हैं। तो मकर संक्रांति को हमने दान का खास तौर से रखा गया है, जिसमें वस्त्र और चप्पल। यहाँ पर ये जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर जो पतंग का क्रेज है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर बहुत पहले से ही ऐसा बताया जाता है कि लगभग 250 साल पहले महाराजा गोपाल सिंह जी के टाइम से ही यहाँ पर रक्षाबंधन पर और जन्माष्टमी पर पतंग उड़ाने की परंपरा डाली गई थी, जो आज तक चली आ रही है। क्योंकि करौली एक पुरानी रियासत है, तो उसी चीज़ को आज तक हम बोलो। दान पुण्य की परंपरा बरसों से चली आ रही है, सनातनकालीन व्यवस्था है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन गरीब बच्चों को मंगोड़े गुड़चंदिया और जो भी कपड़े लगते हैं वो दान पुण्य दिए जाते हैं, जिससे ये धर्म का प्रचार धार्मिक नगरी है और बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर लोग संक्रांति के दिन मंगोड़ा पकौड़ी खाना कुआ गर्म कपड़े सारे दान देते हैं और खाना में धार्मिक पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, बटों से चल रही है प्रथा। इस बार भी रहेगा? हाँ, इस बार ही चलेगा। कितने मंगोड़े बनेंगे इस बार? इस बार का उनको कल 2000 आदमी के रखेंगे, कपड़ा भी बटेंगे बहुत ज़्यादा। क्या क्या बनता है दान पुण्य के लिए करौली में? व्यापारी वर्ग क्या क्या बनवाते हैं? मंगोड़ा पकौड़ी, मीठे पुआ, खिचड़ी, गुड़चंदिया,